आज हम बनाएंगे एक बेहद खास लेकिन बहुत ही आसान रेसिपी। हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल बादाम कतली। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। रक्षा बंधन का त्योहार है और सब तरफ खुशियों की बौछार है और रेशम की डोरी में बंधा भाई बहन का प्यार है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से दुबई नमी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर बहुत ही मजेदार और खास मिठाई। और इस मिठाई की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। आज हम बनाने वाले हैं बादाम की बर्फी, जहां जिसे हम बादाम कतली भी बोलते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं हमारे किचन में और बनाते हैं इस खास मिठाई को। बादाम कतली बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बादाम। बादाम आप कोई भी छोटे बड़े ले सकते हो। इसमें हम गरम पानी ऐड कर देंगे, ताजो बादाम का छिलका आसानी से उतर जाए और ये फूल भी जाए। इसे हम कवर कर देते हैं और 15 मिनट के बाद हम इसे छील कर तैयार करेंगे। बादाम को भीगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें छील लेते हैं। इन्हें हम बड़ी आसानी से छील सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। बस हल्का सा हमें इसे प्रेस करना है और ये बहुत ही आसानी से छिले जा रहे हैं। सभी बादाम्स को हमने छील कर तैयार कर लिया है। अब देखिए कितनी आसानी से हमने बादाम को छील लिया है। अब हम इन छीले हुए बादामों को एक बाउल में ऐड करेंगे और इन्हें नॉर्मल पानी में 1 घंटे तक भिगो कर रखेंगे, ताजो बादाम अच्छे से फूल जाए। 1 घंटा हो चुका है हमें बादाम को भिगोए हुए। बादाम बहुत ही बढ़िया फूल चुके हैं। आप देखिए कितने सॉफ्ट भी हो गए हैं और पहले से इनका साइज भी डबल हो गया है। अब हम इन्हें एक ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। 1 कप बादाम थे भिगोने से पहले और इसमें हमने 1/2 कप दूध ऐड कर देना है। और अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेंगे। और इसे हमने कवर कर कर इसकी एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेनी है। आलमंड्स को हमने ग्राइंड किया है और आप देखिए मिक्सचर काफी ड्राई लग रहा है। हम इसमें 2 टेबलस्पून दूध और ऐड कर देंगे और इसे हम फिर से ग्राइंड करेंगे ताकि इसका एक फाइन पेस्ट तैयार हो सके। दूध डालने के बाद भी हमने इसे पीस लिया है। हम इसका टेक्सचर चेक कर लेते हैं। आप देखिए एकदम मलाई की तरह ये मिक्सचर तैयार हुआ है। कनी इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम एक पैन में 2 टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे। घी में हम ऐड करेंगे बादाम और दूध का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है। इसी के साथ ही हम इसमें
एक कप पाउडर शुगर भी ऐड करेंगे। नॉर्मल शुगर को ही मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। बादाम कतली को और भी टेस्टी और मजेदार बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कुछ केसर के धागे, जिसे कि मैंने आधा घंटा पहले दूध में भिगोकर रखा था। 2 टेबलस्पून दूध में मैंने इसे भिगोया था। फ्लेम को हमें एकदम लो पे ही रखना है और इसे लगातार चलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक कि बादाम अच्छे से पक नहीं जाते और जी जमने वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। ध्यान रहे कि आपने इसे लगातार चलाते रहना है। बेस को टच करते हुए ही हमें इसमें कड़छी को चलाते रहना है। अब देखिए मिक्सचर पहले से कितना गाढ़ा हो रहा है। अभी भी हम इसे 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे। मिक्सचर को पकाते हुए मेरे को टोटल 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए मिक्सचर कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये अभी प्रॉपर पका है या नहीं पका है। उसके लिए हमें थोड़ा सा मिक्सचर 1 स्पून में ले लेना है और हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसे चेक करते हैं। जब हम इस मिक्सचर को ऐसे पकड़ रहे हैं तो आप देखिए जो हाथों के साथ अभी चिपक रहा है, इसका मतलब है कि मिक्सचर को अभी हमें और पकाना है। तब ये पूरा पकेगा जब हम इसे ऐसे उठाएं और ये हाथों के साथ ना चिपके। इसकी एक ऐसे बोल या कोई भी शेप जो हम इसे दें वो बननी चाहिए। तो अभी हम इसे और पकाएंगे। 5 मिनट तक मैंने इसे और पका लिया है और आप देखिए मिक्सचर कितना बढ़िया पक गया है। इसने बिल्कुल पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और जो भी हम इसे शेप दे रहे हैं ये बड़ी आसानी से ले रहा है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देते हैं और इस बढ़िया मजेदार पके हुए मिक्सचर को हम ट्रांसफर करेंगे एक ग्रीस की हुई प्लेट या ट्रे में। अब हम इसे स्पैचुला की हेल्प से ऊपर से फैला लेंगे। जैसी थिकनेस कतली की होती है बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी तक हम इसे फैलाएंगे। आप चाहो तो आप इसे हल्का सा ठंडा कर बेल भी सकते हो। आप देखिए मिक्सचर कितना बढ़िया सेट हो रहा सभी साइड से। हम इसे ऊपर से प्रेस करते हुए एक ही साइज की थिकनेस तक फैलाएंगे और साइड से भी हम इसे इवन करते जाएंगे ताकि जब हम इसके पीसेस कट करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इवनली मैंने इस मिक्सचर को फैला लिया है पूरी ट्रे में। बादाम कतली को एकदम बाजार जैसी लुक देने के लिए हम इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देंगे। अब हम इसे 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं हमें बादाम कतली को सेट करते हुए और बादाम कतली एकदम बढ़िया सेट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप किसी भी शेप में कर सकते हो जैसे कि स्क्वायर या रेक्टेंगल, लेकिन हम इसकी कटिंग करेंगे डायमंड शेप में। बेहद आसानी से हमने घर में ही एकदम बाजार जैसी बादाम कतली बनाकर तैयार कर ली है और इस खास मौके पे जब आप अपने भाई के लिए अपने हाथों से मिठाई बनाएंगे तो इस पर्व का मजा और भी दुगना हो जाएगा और ये प्यार भी बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो फिर देर किस बात की, आप भी बनाइए अपने हाथों से
इस खास मिठाई को अपने प्यारे भाई के लिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल दिल से दुबई नवनीत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।